हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज की वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रिवीजन क्लास का सेकेंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर B2 से B1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? राइट आंसर सी, टी ऑन बराबर टी डी प्लस टी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? राइट आंसर डी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? राइट आंसर ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है। राइट आंसर डी, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर ए, न्यूनतम विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? राइट आंसर सी, दोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? राइट आंसर डी, सकारात्मक फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? राइट आंसर डी, ट्रैगर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? राइट आंसर सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे फैट की तुलना में मोसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? राइट आंसर ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? राइट आंसर डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? राइट आंसर बी, 311.17 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर ए, सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? राइट आंसर डी, 1000 KHZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को
रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। राइट आंसर सी, गुनगुनाती आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? राइट आंसर वी, कुचालक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? राइट आंसर डी, 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है? राइट आंसर डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे फैट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? राइट आंसर वी, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? राइट आंसर ए, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केवल बंधों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, नायलॉन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? राइट आंसर ए, सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? राइट आंसर डी, सहायक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का क्या नाम है? राइट आंसर ए, डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? राइट आंसर डी, ओवरलोड रिले ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर डी, केवल बांधने की पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का क्या नाम है? राइट आंसर सी, क्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? राइट आंसर डी, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? राइट आंसर ए, लिमिट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? राइट आंसर वी, आइसोलेटिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? राइट
राइट आंसर डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, लिफ्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? राइट आंसर सी, 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? राइट आंसर सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीवी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए, डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? राइट आंसर सी, थर्मल रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? राइट आंसर डी, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? राइट आंसर डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? राइट आंसर वी, AC2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? राइट आंसर बी, स्टार मेन टाइमर डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर वी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? राइट आंसर डी, डेल्टा में ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? राइट आंसर सी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर डी, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? राइट आंसर डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधातु
समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ए चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है? राइट आंसर डी स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? राइट आंसर ए टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के डीसी फोर मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? राइट आंसर सी श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।